ये कहानी उस समय की है जब केरल के बड़े भाग में त्रावणकोर के राजा का शासन था। उस समय पहनावे के कायदे ऐसे थे कि एक व्यक्ति को देखते ही उसकी जाति की पहचान की जा सकती थी। जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी और निचली जातियों की महिलाओं को स्तन ना ढकने का आदेश था। उल्लंघन करने पर उन्हें मूलाकरम यानी ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। बस अब और नहीं सहा जाता। अरे कब तक हम यूं ही खून के घूंट पीते रहेंगे? जिस गंदी नजर से लोग हमें देखते हैं ना, घिन आती है मुझे। ऐसा लगता है जैसे रोज आंखों से बलात्कार हो रहा है हमारा। मन करता है वैसी दरिंदों की आंखें नोच लो। अरे क्यों कोई आवाज नहीं उठाता? नांगेली, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि हम गरीबों की आवाज हमेशा दबा दी जाती है। अच्छा, वो दबाते रहेंगे और हम दबते रहेंगे? हाँ, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। बस ये समझ लो कि निचली जाति की औरत होने की हम कीमत चुका रहे हैं। अरे निचली जाति का होना कोई पाप है क्या? अरे हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो समान अधिकार से जीने का हक मिलना चाहिए ना। अरे जब ऊंची जाति की औरतें अपने सीने को कपड़े से ढांक सकती हैं तो हम क्यों नहीं? हम औरत नहीं है क्या? हम अगर अपने सीने को कपड़े से ढके तो हमें मूलाकर्म क्यों अदा करना पड़ता है? हमारी औरतों को उनके स्तन के आकार के अनुसार कर क्यों देना पड़ता है? तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि इस कर के पीछे उनका क्या मकसद है। मकसद सिर्फ एक ही है, जातिवाद के ढांचे को बनाए रखना। ये धर्म जात पात सिर्फ इंसान के बनाए हुए खोखले कानून है। ऊंची जाति के मर्दों की गंदी निगाह से बचने के लिए हम दूसरी औरतों की तरह अपने आप को चार दीवारी में बंद करके तो नहीं रख सकते ना? अरे काम पर नहीं जाएंगे तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? मुश्किल से दो वक्त का खाना नसीब होता है, उस पर ये बार बार मूला कर्म को अदा कर पाना हम जैसे गरीबों के लिए कैसे मुमकिन होगा? नीला, हम गरीबों के नसीब में सिर्फ दुख सहना लिखा है, इसलिए कहती हूँ चुपचाप सहती जाओ। जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है उसे होने तो चुपचाप सहते जाओ, और दूसरा जो हो रहा है उसको बदलने की जिम्मेदारी उठाओ। नांगेली, अगर तुमने निर्णय कर लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। तुम चिंता मत करो, मैं कल से ही दिन रात मजदूरी करके मुलाकरम की रकम जोड़ने में लग जाऊंगा। कर को बिना अदा किए सीने को कपड़े से ढकने का निर्णय लिया है मैंने। क्या? हाँ। नांगेली, ऐसा करने से तो कानून का उल्लंघन होगा। होने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। हाँ मगर नांगेली, मैं अपने आबरू के लिए नहीं बल्कि धर्म और जाति के नाम पे बांटने वाले समाज के खिलाफ आवाज उठाना चाहती हूँ। इस दमनकारी कानून के खिलाफ आवाज उठाना चाहती हो। बस इसमें तुम मेरा साथ दे दो। तुम साथ हो तो मैं सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। नांगेली, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ और ये वादा करता हूँ कि मैं हर पल हर कदम तुम्हारे साथ चलूँ, तुम्हारा साथ दूंगा। चिरुकंदन, मैं जानती हूँ मेरे इस फैसले से तुम्हें भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा,
क्योंकि जिस रास्ते पे हम चलने जा रहे हैं वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। नांगिली, तुम आवाज उठाओ। आवाज उठेगी तो मचेगा शोर, उम्मीदों की होगी भोर। निचली जाति के होते हुए ऊंची जाति की औरतों की तरह कपड़े पहनने में शर्म नहीं आई तुझे? तुम जैसे बेशर्मों के सामने कैसी शर्म? मुंह चलाती है। ए लड़के, अपने औकात में रह। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को तुम लोगों की औकात याद दिला दूं, जाने दो हमें। ऐसे कैसे जाने दें? कानून का उल्लंघन किया है तूने। थूकती हूँ मैं ऐसे एक तरफा कानून पे, जाने दो हमें। नहीं जाने देंगे। मैं कहती हूँ जाने दो। कि जिंदगी भर किसी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देख पाएंगे। चिरुकंदन रुको। तेरा नाम चिरुकंदन है? जी। और ये औरत है मेरी, नांगेली। जी। क्या तुझे पता है तेरी औरत ने कानून का उल्लंघन किया है? पता है। तो तुझे ये भी पता होगा कि उल्लंघन करने की वजह से अब तुझे मुलाकरम देना होगा? पता है। जैसे तुझे सब पता है, ठीक वैसे ही मुझे भी पता है कि तू मुलाकरम नहीं भर पाएगा। इसीलिए तेरी औरत से कहना कि इस बार की गलती के लिए माफी मांग ले और आगे से दोबारा कभी कानून का उल्लंघन करने की गलती ना करे। गलती नहीं, अधिकार है मेरा। तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। मुलाकरम दे पाएगी? बोल, दे पाएगी? कीमत मिल जाएगी। क्या? हाँ पर्वतियार साहब, हाँ आपने ठीक सुना। तो ठीक है फिर, अब सीधे एक महीने के बाद आऊंगा मुलाकरम लेने, तैयार रखना। चलो रे। आज एक महीना पूरा हो गया है मुलाकरम लेने आए हैं। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। रुको, उससे पहले तुम्हारे स्तन का परीक्षण होगा, उसके आकार और वजन के हिसाब से मुलाकरम तय किया जाएगा।
अब सबक मिलेगा इसे। ये कौन है? नांगीली की सहेली है। ये लीजिए, आपको स्तन का कर चाहिए था ना, आप स्तन ही ले लीजिए। जब स्तन नहीं रहेगा तो कर किस चीज का लेंगे? लीजिए, ले जाइए इस मांस के टुकड़े को। अरे ले जाइए ना। खून से लथपथ नांगेली की हिम्मत ने शायद कुछ ही मिनटों में दम तोड़ दिया था, लेकिन मरते मरते उसने इस दोगले समाज के सीने में ऐसा खंजर खोप दिया था जिसकी चुभन काफी दर्दनाक थी। कर को बिना अदा किए सीने को कपड़े से ढकने का निर्णय लिया है मैंने। नांगेली, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ और ये वादा करता हूँ कि मैं हर पल हर कदम तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। मुश्किल है नामुमकिन। मचेगा शोर, उम्मीदों की होगी भोर। किसी मर्द के सती होने का ये सबसे पहला उदाहरण था। नांगेली ने उठाई हुई आवाज लोगों के कानों में आंदोलन के रूप में गूंज उठी और आखिरकार ट्रावणकोर के राजा को मजबूरन मूलाकरम यानी ब्रेस्ट टैक्स का दमनकारी कानून हमेशा के लिए रद्द करना पड़ा। पर अफसोस, इतना सब होने के बावजूद नांगेली की ये शौर्य गाथा इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। इतिहास गवाह है, हमारे समाज में आज तक धर्म और जातपात के नाम पर न जाने कितनी खून की नदियां बहाई गई। फर्क तो सिर्फ जात का था, वरना सबके खून का रंग लाल ही था। क्या कभी किसी ने खून की जात पूछी है? शुक्र है कि आसमान में उड़ते परिंदों को अपनी जात नहीं पता, वरना रोज आसमान से खून की बरसात होती है।